वार्ड नंबर 5 आजाद नगर तखतपुर में पार्षद नरेंद्र रात्रि के सौजन्य से व सतनामी समाज के तत्वावधान में आयोजित महान तपस्वी सतनाम धर्म के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती अवसर पर विभिन्न आयोजनों में पहुंच पूजा अर्चना की। तखतपुर की लोकप्रिय विधायक एवं संसदीय डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ की धरा धन्य है जहाँ बाबा गुरु घासीदास जैसे महान संत और प्रवर्तक हुए जिन्होंने जाति धर्म के बंधनों से छुटकारा देकर सभी मानव जाति को एक सूत्र में बांधा है। आज वार्ड नंबर 5 में तखतपुर शहर में बाबा जी की जयंती का आयोजन किया गया है, जहां बहुत ही सुंदर अद्भुत अवर्णनीय जैत खम का निर्माण हुआ है और यहां पर सभी अतिथि पहुँच चुके हैं। अभी बहुत अच्छे से लगभग 1 घंटे तक पूजा चली और उसके बाद अब मंच में भागवत जी का गीत संगीत का कार्यक्रम है, साथ ही बाबा जी की जयंती में बाबा जी को प्रणाम करने के लिए और उनका स्मरण करने के लिए आज हम सब आमंत्रित हैं और जय सतनाम कहना चाहूँगी, बाबा जी की जय कहना चाहूँगी और सभी को बाबा जी की जयंती की बहुत बधाई देती हूँ। आज 27 दिसंबर गुरु पर्व की जयंती मना रहे हैं आजाद नगर समाज, हमारे जो भी अतिथि आए हुए हैं उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। काफ़ी हमारे वार्ड क्रमांक 5 के जितने समाज के हैं और अदर समाज भी आए हुए हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आयोजक समस्त जनप्रतिनिधियों एवं समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर पूजा पाठ किया गया, साथ ही नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें बाबा जी के जयकारे के साथ गीत व नृत्य प्रस्तुत किया गया। पार्षद नरेंद्र रात्रे के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। क्षेत्र में गुरु परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती वार्ड क्रमांक 5 में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत सुंदर प्रांगण का निर्माण आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष ठाकुर हैं और सी डी खांडेकर साहब हैं, आदरणीय सुपर विधायक आशीष भैया हैं, सभी अतिथि हैं और बहुत सुंदर पूजा अर्चना की गई और बाबा जी के आशीर्वाद से लोगों को हमेशा भला हो यही रहता है। और बाबा जी का संदेश भी एक समाज नहीं वरन पूरा मानव समाज के लिए है। बाबा जी के आदर्शों पर चलकर कोई भी व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है और यहां आकर हमें बाबा जी का आशीर्वाद मिला, हम धन्य हुए और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।